अक्षत रास्ता तो देखते हैं, पार्टी एक एकदम लीनियर लाइन हो जाती है। एक समय नाच गाना बढ़िया नाच चल रहा है, हम नाचेंगे। बीजेपी वैसे भी बहुत, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है तो ये जो जीत का सेहरा है वो क्या शिवराज सिंह चौहान के सिर पर नहीं बंधेगा? देखिए मुझे नहीं लगता है कि अकेले शिवराज सिंह चौहान पे देगा, या सिर्फ केंद्रीय मंत्री और मोदी जी के। देखिए होता क्या है कि इस पूरे कैंपेन को प्रधानमंत्री जी ने लीड किया और जो स्टेट स्तर पर जो कैंपेन था वो शिवराज सिंह जी ने लीड किया, इसमें कोई दौरा नहीं। मैं बस अपनी बात खत्म कर दूं, ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने ये संदेश दिया है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो केंद्र तय करेगा, जो मेरा अपना विश्लेषण है। हालांकि वो नहीं चाहेंगे कि 2024 से पहले कोई नेतृत्व परिवर्तन करेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी वहीं पर बने रहेंगे ऐसा मुझे थोड़ा सा। क्या बड़ा बहुमत जो है वो नेतृत्व बदलाव की आहट है? एक लाइन में सुमन जी एक बात कहना चाहता हूं जी, अगर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के नेतृत्व में अगर ये चुनाव लड़ा जाता तो बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत होने वाली थी चुनाव में। मैं साफ कर दूं, बिल्कुल अंडरलाइन में साफ करता हूं, मेरी ये बात सुन के शिवराज जी शायद खुश ना हो, मैं उनको खुश करने के लिए या बीजेपी या कांग्रेस के किसी नेता को खुश करने के लिए अपना एनालिसिस नहीं करता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं तब बड़ी मुश्किल होती बीजेपी को। नड्डा साहब बिल्कुल शेर को खिला रहे, शेर खिला रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो वोट परसेंटेज अभी तक निकल कर आ रहे हैं वो बीजेपी को 49%। खरगे साहब को भी शेर दे दिया, खरगे साहब को शेर हिला रहा था, ये शेर को हिला रहा है जंगल। ये मध्य प्रदेश के हम एक्चुअली फॉरेस्ट रिजर्व जो है उनको दिखा रहे हैं बिल्कुल, तो इसलिए शेर वहाँ